फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट की। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने डबली लिंक्ड लिस्ट के इंसर्शन की ही बात करी थी, बट उसमें हमने इंसर्शन लास्ट में किया था और डिस्प्ले हमने फर्स्ट एलिमेंट से करवाया था लिस्ट के। इस लेक्चर में हम इंसर्शन फर्स्ट में करेंगे, मतलब जो नया नोड हम क्रिएट करने वाले हैं उस नया नोड का इंसर्ट हम फर्स्ट पोजिशन पर करेंगे, और जब डिस्प्ले करवाएंगे हम उस लिस्ट को या के एलिमेंट्स को तो हम लास्ट से डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं कि कैसा दिखने वाला है। तो ऐसा कुछ हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है सपोज, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, और यही हमारी लिस्ट का लास्ट नोड है। अब हमको फर्स्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो हमको फर्स्ट में इंसर्ट करवानी है, तो हमने देखिए फर्स्ट में इंसर्ट करवा दिया। उसमें मुझे दो काम करने पड़े, एक तो मुझे रूट का एड्रेस चेंज करना पड़ा, और जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसमें रूट में जो वैल्यू थी वो उसमें डाल दी, और जो पहले लिस्ट में फर्स्ट नोड पर एड्रेस था उसका लेफ्ट जो है वो खाली था, तो उसमें क्या डाल दिया हमने, जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस भी डाल दिया। तो ये हमको ये तीन काम जो है वो करने हैं, रूट का एड्रेस चेंज करना है, जो नया नोड हमने क्रिएट किया है उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू डालनी है किसकी, जो फर्स्ट नोड है अभी वो, और जो पहले से फर्स्ट नोड था उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या डालना है, हमारा अभी वाला नोड का एड्रेस, ठीक है। तो वो लिंक हो जाएंगे और डबली की तरह काम करने लग जाएंगे। अब हम इस पे बेस्ड एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो अभी मेरे को नोड जो है वो कहाँ इंसर्ट करना है फर्स्ट में, तो void insert at first नाम का मैंने फंक्शन बना लिया है। लोकल वेरिएबल temp मैंने यूज़ कर लिया है, temp मेमोरी एलोकेट हुई और temp में उसका एड्रेस चला गया, तो ये मेमोरी एलोकेशन हो गया है और temp में एड्रेस चला गया 1000। टैम्प जो नया नोड है उसमें मैंने यूज़र से वैल्यू पूछ ली कि डेटा पार्ट में क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, और उसका लेफ्ट और राइट दोनों मैंने कैसे सेट कर दिए, नल से, मतलब वो अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहे। फिर हमने चेक किया इफ़ रूट इक्वल्स टू नल, मतलब मे पॉसिबल ये लिस्ट का कैसा नोड हो, फर्स्ट नोड हो, अभी लिस्ट में कोई नोड ही अवेलेबल नहीं हो तो टैम्प किस में चले जाए, रूट में चले जाए। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये फर्स्ट नोड नहीं है, जैसा मैंने आपको इधर डायग्राम में बताया कि ये फर्स्ट नोड नहीं है जो नया क्रिएट हुआ है, नया तो अभी उसके पहले तीन नोड ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो अगर ये सिचुएशन है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स क्या बोलेगा, एक मैंने लोकल वेरिएबल ले लिया इसके लिए ट्रैवर्सिंग करने के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे ट्रैवर्स करके करना पड़ सकता है। मैंने क्या करा, टेम्प, टेम्प में क्या है, अभी जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस किस में चले जाए, रूट के लेफ्ट में, देखते हैं अब। रूट, रूट मतलब 2000 का लेफ्ट, मतलब क्या, नल, यहाँ पे क्या चले जाए, नए नोड का एड्रेस, वही चाहते हैं हम, देखिए आ गया नए नोड का एड्रेस, ठीक है। और क्या हो जाए, रूट में जो भी एड्रेस है वो किस में चले जाए, नए नोड के राइट में, देख लेते हैं ग्राफिक्स में, रूट में जो भी एड्रेस है, रूट में क्या एड्रेस है 2000, वो किस में चले जाए, ये जो नया नोड है इसके राइट में, तो देखिए आ गया 2000 नए नोड के राइट में, क्लियर। और क्या हो जाए, टैम्प में, मतलब जो नए नोड का एड्रेस जिस लोकल वेरिएबल में हमने कंटेन करवाया है वो किस में चले जाए, रूट में चले जाए, क्यों चले जाए, देखिए जो नया नोड है 1000, इसका एड्रेस क्या है 1000, किस में अभी है, टैम्प में, किस में चले जाए, रूट में, क्यों, क्योंकि रूट जो है वो ये बताता है कि आपके लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अब नया नोड, क्यों, क्योंकि अब उसको हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट के फर्स्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो ये सारा हमने प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, पहले ऐसा था नोड हमारा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रूट के लेफ्ट में टैम्प गया तो ऐसा हो गया, टैम्प के राइट में ऐसा था पहले, वो टैम्प का राइट में रूट चले गया तो वो ऐसा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और रूट भी अपडेट हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे लिस्ट के फर्स्ट पोजिशन पर एक नया नोड इंसर्ट करवा दिया। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लिस्ट के लास्ट पोजिशन पर नया नोड इंसर्ट करवाया था, ठीक है। अब हम डिस्प्ले फंक्शन देख लेते हैं। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने जब डिस्प्ले करवाया था तो हमने स्टार्टिंग से डिस्प्ले करवाया था, मतलब जैसी मेरी लिस्ट है वैसे ही डिस्प्ले हुआ था, दैट मीन्स 10, 20, 30, 40 ऐसे एलिमेंट्स डिस्प्ले हुए थे। बट इस बार हम चाहते हैं कि हमारा डिस्प्ले कैसे हो, 40, 30, 20, 10, पीछे से हमको डिस्प्लेइंग परफॉर्म करनी, ठीक है। तो हमने डिस्प्ले एट लास्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया, चेक कर लिया कि रूट अगर नल है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी लिस्ट कैसी है, एम्प्टी है, और वहीं से हम एग्जिट हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो, डबली लिंक लिस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एंड, ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो।
और रूट की वैल्यू किस में चले जाए, टेम्प में। रूट में अभी क्या है देख लेते हैं हम, रूट में अभी क्या है, थाउजेंड है, ठीक है। सॉरी, थाउजेंड किस में चले गया, टेम्प में चले गया। फिर चेक किया, टेम्प का राइट, थाउजेंड का राइट, ये देखिए थाउजेंड, इसका राइट क्या है, टू थाउजेंड। नॉट इक्वल्स टू ना ले, नॉट इक्वल्स टू ना ले, कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या हो जाएगा, टेम्प एक आगे बढ़ जाएगा, तो टू थाउजेंड किस में चले जाए, टेम्प में। तो मतलब जहाँ आप टेम्प में थाउजेंड हमने देखा था, वहां आप क्या आ जाएगा, टेम्प में टू थाउजेंड आ जाएगा, ठीक है। आप वापिस देखा, टू थाउजेंड का राइट देख लेते हैं, टू थाउजेंड का राइट क्या है, थ्री थाउजेंड। थ्री थाउजेंड इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, तो वापिस टेम्प का राइट मतलब थ्री थाउजेंड किस में चले जाए, टेम्प में चले जाए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थ्री थाउजेंड आ गया। अब अगेन थ्री थाउजेंड का राइट, थ्री थाउजेंड का राइट देख लेते हैं क्या है, थ्री थाउजेंड का राइट फोर थाउजेंड है, नॉट इक्वल्स टू नल है, कंडीशन ट्रू है, तो वापस थ्री थाउजेंड का राइट मतलब फोर थाउजेंड किस में चले जाए, टेम्प में चले जाए। तो फोर थाउजेंड किस में चले गया, टेम्प में चले गया। अब फोर थाउजेंड का राइट, फोर थाउजेंड का राइट देख लेते हैं क्या है, फोर थाउजेंड का राइट है नल, नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो टेम्प में अभी क्या है हमारे पास फिलहाल फोर थाउजेंड। फिर वापस मैंने वाइल लूप चलाया है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लास्ट से डिस्प्ले करवाने के, मैंने ये मेथड अडॉप्ट करी है ना, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। बाकी आपको अगर और कोई वे आसान लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने वाइल लूप चलाया, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प में भी क्या है फोर थाउजेंड, फोर थाउजेंड नल है क्या, नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, टेम्प का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए फोर थाउजेंड का डेटा क्या है, फोर्टी, फोर्टी प्रिंट हो गया। और क्या हो गया साथ में, टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प का लेफ्ट, टेम्प का लेफ्ट मतलब फोर थाउजेंड का लेफ्ट क्या है, थ्री थाउजेंड, तो थ्री थाउजेंड सॉरी फोर थाउजेंड का लेफ्ट क्या है, थ्री थाउजेंड। थ्री थाउजेंड किस में आ गया, टेम्प में आ गया। तो वापिस थ्री थाउजेंड इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या प्रिंट हो जाए, थ्री थाउजेंड का डेटा, थ्री थाउजेंड का डेटा क्या है, थर्टी। और क्या हो जाए साथ में, थ्री थाउजेंड का लेफ्ट किस में आ जाए, टेम्प में, थ्री थाउजेंड का लेफ्ट क्या है, टू थाउजेंड, टू थाउजेंड किस में आ गया, टेम्प में आ गया। टू थाउजेंड इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो टू थाउजेंड का डेटा प्रिंट हो जाएगा, टू थाउजेंड का डेटा प्रिंट हुआ तो क्या आया, ट्वेंटी। और क्या हो जाए साथ में, टू थाउजेंड का लेफ्ट, टू थाउजेंड का लेफ्ट क्या है, देख लेते हैं डायग्राम में, टू थाउजेंड का लेफ्ट है थाउजेंड। फिर इसको चेक किया, थाउजेंड इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, तो थाउजेंड का डेटा प्रिंट हो जाए, थाउजेंड का डेटा क्या है हमारे पास, टेन। और क्या हो जाए साथ में, थाउजेंड का लेफ्ट टेम्प में आ जाए, थाउजेंड का लेफ्ट क्या है, नल, नल टेम्प में जैसे ही आया फिर चेक हुआ, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई। हमारी लिस्ट जो है 40, 30, 20, 10 ये हम प्रिंट करते हुए पहले पीछे तक पहुंचे और फिर प्रिंट करते हुए पीछे से वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमारी लिस्ट को डिस्प्ले करवा दिया, कहाँ से, एंड से हमने हमारी लिस्ट को डिस्प्ले करवा दिया। ये दोनों फंक्शंस हमने देख लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड प्रोग्राम पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।